नमस्कार, मैं मनु पंवार। आज मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं। मेहमान जो हैं वो भारत से नहीं हैं, सात समंदर पार से आए हैं, जर्मनी से आए हैं। जर्मन नागरिक हैं पॉल। पॉल जो हैं वो योहानिस गुटनबर्ग यूनिवर्सिटी में, जो जर्मनी की है, एंथ्रोपोलॉजी यानी जो मानव विज्ञान है उसमें मास्टर्स कर रहे हैं और इस समय भारत आए हैं। और ख़ास बात यह है कि भारत में वो उत्तराखंड में जो गढ़वाल की रामलीला है उस पर स्टडी करने के लिए आए हैं, उस पर शोध करने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत दिलचस्प बातचीत होने वाली है। एक जर्मन नागरिक और गढ़वाल की रामलीला पर शोध करने आए हैं, बातचीत करने आए हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले दर्शकों के लिए एक सरप्राइज पॉल की तरफ से। पॉल अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। पॉल मेरा नाम पॉल हुस्मन है और मैं आजकल योहानस गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मास्टर्स में एंथ्रोपोलॉजी। और मैं यहाँ 2 हफ्ते पहले आया, पहले मुंबई गया और शायद 1 हफ्ते से दिल्ली में हूँ। हाँ तो ये था हमारे व्यूवर्स के लिए पॉल की तरफ से सरप्राइज। वो जर्मन नागरिक होने के बावजूद इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, हमारी भाषा बोल रहे धन्यवाद। हैं। पॉल, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हाँ आपने हिंदी कैसे सीखी? आप तो जर्मन नागरिक हैं, आपकी जर्मन भाषा है, हिंदी पे आपने कैसे काम किया और क्यों सीखा, ये थोड़ा बताइए। मैंने हिंदी जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी में सीखी। उस समय मैंने वहाँ इंडोलॉजी पढ़ी। इसी यूनिवर्सिटी में जो जहाँ से हाँ, आप। योहानस गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में। आजकल इंडोलॉजी बंद हो गया क्योंकि बहुत कम नए विद्यार्थी आए, लेकिन उस समय तो इंडोलॉजी थी और एक सब्जेक्ट हिंदी था, तो इसलिए मैंने हिंदी सीख लिया। और इसलिए कोई, मतलब हिंदी सीखने में कोई कारण नहीं था, मैंने सिर्फ ऐसे ही शुरू किया और शुरू करने के बाद तो शौक आया। तो हिंदी आपने ऐसे ही सीख ली और हाँ अब आपको शौक है कि हिंदी जो है। हाँ मतलब जब तो मैं सच बताऊँ तो मुझे सिर्फ एक साइड सब्जेक्ट चाहिए था। मतलब मेरा मेन सब्जेक्ट बैचलर्स में एंथ्रोपोलॉजी था और फिर मुझे एक साइड सब्जेक्ट था और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या पढ़ूँ। तो एक दोस्त ने बोला कि इंडोलॉजी पढ़ो, वहाँ बहुत मज़ा आएगा, तो मैंने शुरू किया और हाँ उसके बाद तो बहुत मज़ा आया। ओ, उसके बाद की यात्रा ये है कि वो जर्मनी से सीधे भारत चले आए हैं स्टडी के लिए, मास्टर्स कर रहे हैं वहाँ से और गढ़वाल की रामलीला पर वो शोध करने आए हैं। अच्छा, पॉल से मेरी मुलाकात, बड़ी दिलचस्प किस्सा है। पॉल ने मुझे इंस्टाग्राम जो सोशल साइट है उस पर डीएम किया, मतलब मैसेज किया मुझे कि मेरा नाम पॉल है, मैं फलां फलां यूनिवर्सिटी में करता हूँ और मैंने गढ़वाल की रामलीला पर आपके वीडियो, मतलब मेरे वीडियो देखे और मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ से हमारा पॉल का बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और आज पॉल यहाँ पहुँचे हैं, मेरे घर पे हैं। हिंदी सीखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा पॉल का? वैसे तो सबसे पहले क्लास में बातचीत बहुत कम हुई, हमने ज़्यादातर सिर्फ व्याकरण सीखा और क्लासेस बहुत कम हुई। जैसे कि एक साल था कि हिंदी क्लासेस थे और 1 हफ्ते में शायद 1.5 घंटे एक क्लास था, तो समय बहुत कम था, इसलिए हमने सिर्फ व्याकरण सीखा। और मुझे लगता है कि हिंदी का व्याकरण तो ठीक है मेरे लिए, क्योंकि जर्मन व्याकरण बहुत मुश्किल है, तो ये तो ठीक है। लेकिन मेरे लिए हिंदी सबसे मुश्किल बात ये है कि बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि दिल के लिए कम से कम मैं तो दो जानता हूँ, हृदय और दिल, और आँख के लिए भी आँख और नेत्र। नेत्र और अगर ऐसे क्लियर चीज़ के लिए
सेवरल शब्द है तो मीनिंग या कुछ मुश्किल शब्दों के लिए और भी शब्द है। अच्छा आप बता रहे हैं। अच्छा मैं पॉल से थोड़ा धीमा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है हिंदी, तो उनको समझने में आसानी हो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा कम स्पीड में बोलूँ। पॉल आप बता रहे हैं कि ग्रामर जो है हिंदी की आपने सीखी, लेकिन कन्वर्सेशन बातचीत आपने कैसे सीखी? आप बता रहे थे कि आप वहाँ पे स्टूडेंट कम थे, तो हिंदी की जो बातचीत जो आप हमसे कर पा रहे हैं वो कैसे पॉसिबल हुआ? 2 साल पहले मेरा एक इंटर्नशिप हुआ गढ़वा में, श्रीनगर में, और फिर उससे पहले मैं बातचीत नहीं कर पाया। तो लेकिन इस इंटर्नशिप करते समय मैंने सिर्फ हिंदी में बात की और मेरे आसपास सिर्फ हिंदी चलती थी। तो शायद पहले 5 हफ्ते में मुझे समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या बोलते हैं। लेकिन उसके बाद तो ठीक हुआ, और उसके बाद मैं 2 और बार इंडिया गया, और जर्मनी में आजकल कुछ भारतीय दोस्त हैं जिनके साथ मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, तो ऐसा आया। तो आपका ये चौथा फोर्थ टूर है इंडिया का, है ना? अच्छा पॉल, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जर्मनी से हैं, आप यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहे हैं, आप कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते थे, किसी और कंट्री की स्टडी भी कर सकते थे, आपने इंडिया ही क्यों चुना, और वो भी गढ़वाल की रामलीला, उत्तराखंड में जो होती है गढ़वाल की रामलीला, उसको स्टडी का जो अपना फोकस बनाने का जो था आपका, वो आपने क्यों चुना, आपको ऐसा क्या लगा इसमें? मतलब हम मास्टर्स में हमें एक थीसिस लिखना पड़ेगा और हम ये टॉपिक अपने आप को चुन सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे हिंदी आती है इसलिए मेरा टॉपिक इंडिया में होना चाहिए, और अच्छा फिर गढ़वाल में बहुत दोस्त है मेरे, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि मुझे एक थीसिस लिखना है, मैं किसके बारे में लिखूं। अच्छा तो उन्होंने मुझे बताया कि रामलीला के बारे में कहो। तो मैंने देखा कि रामलीला क्या है, मैंने बहुत साहित्य पढ़ा और वीडियोस भी देखा, और फिर मैंने निश्चय किया कि ठीक है, रामलीला के बारे में कहूँगा, गढ़वाल की रामलीला। अच्छा तो पॉल आप बता रहे हैं कि गढ़वाल में आपके फ्रेंड हैं, तो वहाँ वो कैसे बने आपके, आप जर्मनी में हैं वो गढ़वाल रहा? ये सब इस इंटर्नशिप की वजह से हुआ, क्योंकि अच्छा मैं 2 साल पहले शायद 6 हफ्ते तक गढ़वाल में रहा, अच्छा और उस समय तो बहुत दोस्ती हुई हाँ कुछ हाँ लोगों के साथ, और जो मैं उसके बाद मैं 2 बार आया ना, तो इन दोनों बार में मैं भी गढ़वाल गया और मैं मेरे दोस्तों से मिला फिर से, तो ऐसा हुआ। अच्छा तो अभी तक आपने जो लिटरेचर पढ़ा गढ़वाल की रामलीला के बारे में, या जो वीडियोस देखे अभी अभी तक आपने, उसमें आपको क्या पता चला, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई गढ़वाल की जो रामलीला है उसके बारे में? वैसे तो ज़्यादातर जो साहित्य मैंने पढ़ा वो गढ़वाल की रामलीला के बारे में नहीं है बल्कि रामलीला के बारे में। तो ज़्यादातर ये साहित्य रामनगर के बारे में है, या बनारस, या अल्मोड़ा, या यूपी की रामलीला, और गढ़वाल की रामलीला के बारे में शायद सिर्फ 2 लेख हैं लेकिन वो बहुत छोटे हैं, और वो ज़्यादातर मतलब गढ़वाल की रामलीला के इतिहास के बारे में है। और फिर एक लेख है जो बताता है कि गढ़वाल की रामलीला में संगीत और
म्यूजिक का प्रभाव या फोक का प्रभाव बहुत खास है। तो हाँ, मैंने भी जो पौड़ी की रामलीला पर वीडियो बनाया था, उसमें ये था कि वो संगीत प्रधान रामलीला है, उसमें म्यूजिक ज़्यादा है, डायलॉग्स कम हैं। तो पॉल को वो बड़ा पसंद आया था और उन्होंने मुझसे बात तब से शुरू करने शुरुआत की उसकी। तो आप क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे इस स्टडी में गढ़वाल की रामलीला के को लेके? तो मेरा मेन टॉपिक ये होगा कि दर्शक का रोल, दर्शक का रोल रामलीला में क्या होता है, क्योंकि मुझे अपने मास्टर थीसिस कुछ नया लिखना है जो अभी तक साहित्य में नहीं है। और जो साहित्य मैंने पढ़ा वो ज़्यादातर दर्शक के बारे में नहीं है। वो बताता है कि दर्शक ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं बताता कि किस मामले में ज़रूरी है या उसका एक्शंस क्या है। या दर्शक कैसे रिएक्ट करता है, हाँ सही है। दर्शक की जो वहाँ पे प्रेजेंस है उसका क्या मतलब है ना? अच्छा, तो ये आप एक्सप्लोर करेंगे। तो हाँ ये अभी तक आपको जो भी आपने स्टडी की उसमें आपको नहीं मिला। मतलब कभी कभी मिला लेकिन बहुत कम, और अगर मिला तो सिर्फ शायद कुछ वाक्य उसके बारे में है और ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो अभी आप इंडिया आए हैं, तो आप ये जो पूरा स्टडी टूर है आपका, ये कितना लंबा है? अभी कितना टाइम रहेंगे आप? मैं रहूँगा 26 अक्टूबर तक, अच्छा, तो मैं कल गढ़वाल जाऊँगा हाँ, और रामलीला की तैयारी देखूँगा। फिर अक्टूबर में रामलीला देखूँगा और दशहरा के बाद मैं वापस जाऊँगा दिल्ली, और 26 तारीख को जर्मनी। अच्छा, तो यहाँ से जाने के बाद गढ़वाल की रामलीला की पहले रिहर्सल देखेंगे, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, वो अक्टूबर में होती है। तो उसके बाद आप अपनी थीसिस का मतलब आप कुछ उसमें तैयार करेंगे, है ना? ये आपका हाँ सही प्लान है। है ना? मतलब उसके बाद शायद 1 साल बाकी है या 1.5 साल बाकी है, और इस समय में मुझे थीसिस लिखना पड़ेगा और फिर देना पड़ेगा। अच्छा, तो आपने हिंदी सीखी तो आपको लगा कि मुझे इंडिया का ही सब्जेक्ट कोई लेना चाहिए, है ना? ऐसे लगा आपको? हाँ अच्छा, तो आपने शुरू से यही प्लान बनाया था, या पहले आप अपने जर्मनी में ही देख रहे थे कि मैं कोई यहाँ कोई किसी टॉपिक पे यहाँ कोई रिसर्च करूँ, शोध करूँ, या आपने सीधे यही चुना कि नहीं मुझे गढ़वाल के रामलीला पे करना है? नहीं मतलब सबसे पहले मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं एक टॉपिक चुनना चाहता हूँ जो इंडिया से संबंधित है, और फिर मेरे घर वाली दोस्तों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि ठीक है, मैं रामलीला के बारे में करूँगा। तो हाँ सिर्फ ऐसा ही हुआ। तो गढ़वाल के बारे में जो हिल एरिया है हमारा माउंटेन्स का, अभी तक आप क्या समझे हैं एक विदेश के नागरिक होने के नाते? आपने इस इलाके को कैसे अंडरस्टैंड किया है? क्या समझते हैं उस इलाके के बारे में? क्या जानते हैं आप अभी तक? ये एक मुश्किल सवाल है। हाँ, तो मुझे इलाका बहुत पसंद है क्योंकि मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। जैसे कि मैं जर्मनी में 1 साल में कम से कम एक बार पहाड़ों में घूमता हूँ। अच्छा, तो जहाँ अभी आप रहते हैं वो कैसा इलाका है? ये मैदानी इलाका है, अच्छा, मैदानी इलाका लेकिन है। आपके मैदान में तो ऐसी इतना गर्म तो नहीं होते होंगे? हमारे मैदान तो बहुत नहीं गर्म होते हैं। मतलब उधर जो तापमान बहुत ठंडा है। अच्छा, मैदान का भी? हाँ मतलब हर अच्छा, तरफ जर्मनी में गर्मियों में तो ठीक है और सर्दियों में -टेम्परेचर होगा, अच्छा, तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी।
अच्छा, और गर्मियों में वहाँ पे कितना तक जाता है टेम्परेचर? सबसे ऊपर तापमान शायद 40 होगा, 40 हाँ, होगा लेकिन एक साल में सिर्फ एक दिन, और उसके अलावा जुलाई और अगस्त में ज़्यादातर बिटवीन 25 और 35, अच्छा। और हाँ पॉल जो बता रहे हैं कि गर्मियों में जर्मनी का जो तापमान होता है 25 से 35, ये यहाँ दिल्ली में आमतौर पे सर्दियों में होता है, और जो 40 बता रहे हैं वो अपने जर्मनी के जो मैदान है वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 तक जाता है, वो दिल्ली में मिनिमम होता है, यहाँ तो 48 40 50 तक जाता है ना। तो वहाँ के पहाड़ भी बहुत ठंडे होंगे जैसे होते हैं। हाँ, पहाड़ और ठंडे हैं, जैसे कि जब सर्दी है तो लोग पहाड़ में नहीं घूम सकते हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ बर्फ है। हाँ, अच्छा। तो हाँ, वहाँ तो बहुत ठंड उन लगती है। पहाड़ों में भी, हमारे पहाड़ों में तो हिमालया जो रीजन है यहाँ तो लोग रहते हैं, वहाँ के पहाड़ों में भी ऐसा ही है? हाँ, लोग रहते हैं, लेकिन मतलब ये पहाड़ जर्मनी में इतना ऊंचा नहीं है। जितना हमारे यहाँ। हाँ, जैसे कि सबसे ऊंचा पहाड़ जर्मनी में 3,000 मीटर्स होगा। अच्छा। हाँ, तो फिर जर्मनी में या इस इलाके में लोग शायद 150 मीटर तक रह सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि सिर्फ पत्थर होंगे, तो अच्छा। जंगल खत्म हो जाएगा और हरियाली भी सिर्फ पत्थर। अच्छा, तो आप फर्स्ट सबसे पहली बार उत्तराखंड के हिल्स में, हमारे गढ़वाल वाले हिल्स में कब आए थे? मैं सबसे पहले 2 साल पहले आया, फरवरी में, और उस समय मेरा 2022 इंटर्नशिप भी हुआ। इंटर्नशिप में, हाँ तो आप इंटर्नशिप के लिए आए थे है हाँ ना। गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ श्रीनगर में, जो श्रीनगर कस्बा है हमारे उत्तराखंड में, वहाँ पे है गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसमें पॉल जर्मनी से आए थे इंटर्नशिप करने, अपने सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी में। जब मैं आया तो मैं एक थिएटर डिपार्टमेंट गया, अच्छा, हेमवती बहुगुणा हाँ, नंदन वो गढ़वाल इसको वो यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नाम। हाँ, हाँ, और मुझे विभाग का नाम नहीं है, लेकिन उस समय मैं पुरोहित जी, दादाराम पुरोहित जी के साथ प्रोफेसर डी आर पुरोहित। हाँ एक इंटर्नशिप किया, और ये थिएटर साइंस में हुआ, अच्छा। तो फिर उस समय एक इम्प्रोविजेशन थिएटर कोर्स हुआ और मैंने भी हिस्सा ले लिया। अच्छा, हाँ, अरे वाह, आपने क्या रोल क्या किया उसमें? उस फोक थिएटर शायद हुआ होगा वो। ये उस समय हमने दो क्या कहते हैं, दो नाटक की तैयारी की, और मैंने थोड़ा सा हिस्सा लिया लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि उस समय मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, तो ज़्यादातर मुझे समझ में नहीं आया कि लोग क्या बोलते हैं, अच्छा। यही एक दिक्कत थी। और फिर ये मतलब उससे पहले मैंने कभी नहीं एक्टिंग किया, और उस समय मज़ा आया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे नाटक देखना ज़्यादा पसंद है नाटक करने से। अच्छा, तो जब आप आए 2 साल पहले हाँ पहली बार, तो आपने इतने हाई हिल्स तो नहीं देखे थे आप बता रहे हैं वहां, तो जर्मनी में नहीं, या देखे थे? नहीं, मतलब हाँ, तो मैं उस समय ज़्यादा ऊपर नहीं गया, तो शायद मैं सिर्फ अच्छा, श्रीनगर गया और एक बार एक गांव गया, लेकिन मुझे नाम नहीं पता नाम। है, हाँ, एक तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं था। अच्छा, ज़्यादा ऊपर नहीं था। तो आप श्रीनगर से, आप बता रहे थे कि करीब 1-1 घंटे का रन था, आप वहाँ गए गाड़ी से ना, तो शायद रुद्रप्रयाग के उस पे आसपास जिले रहे शायद होंगे है ना। हाँ, तो इस बार क्या आप सिर्फ केवल केवल स्टडी में रहेंगे, या आपका जो है पहाड़ में घूमने का भी प्लान है? आजकल मेरा प्लान सिर्फ पढ़ने पढ़ने का है, तो देखते हैं, अगर मुझे समय मिलेगा और मौका तो मैं शायद थोड़ा सा
घूम लूंगा, लेकिन मेरा मेन फोकस पढ़ाई मेन है इस फोकस पढ़ाई पे। बार। हाँ। तो मास्टर्स आपका ये अभी है, मतलब कितना टाइम होता है वहाँ पे ड्यूरेशन मास्टर्स के लिए? ज़्यादातर 2 साल होते हैं मास्टर्स में, तो अभी तक 1 साल हुआ मेरा, तो 1 साल बाकी है। हाँ और हाँ, तो आजकल उधर छुट्टी चलेंगी, अच्छा। इसलिए मैं यहाँ आ सकता हूँ। और छुट्टी के बाद, मतलब जब मैं वापस जाता हूँ, तो मुझे अपना थीसिस लिखना है। अच्छा। तो इस दौरान आप गढ़वाल की अलग अलग इलाकों में जाएंगे और रामलीला की रिहर्सल देखेंगे, ऐसा है प्लान? हाँ, मतलब ये है मेरा प्लान कि मैं पौड़ी जाऊंगा, वहाँ रामलीला देखूंगा, रिहर्सल देखूंगा और लोगों के साथ बात करूंगा। अच्छा। तो 2 साल पहले की पॉल और अब के पॉल में, मतलब इतना आप स्किल, हिंदी की स्किल की बात कर रहा हूँ, बहुत फ़र्क होगा। आप मतलब 2 साल पहले जो आपको हिंदी आती थी, अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप हिंदी को लेके? हाँ एकदम, मतलब उस समय मैं बहुत कम बोल सका और बहुत कम समझ सका, और आजकल तो ठीक हुआ। मतलब अगर लोग ज़्यादा तेज़ नहीं बोलते तो मैं सब कुछ समझता हूँ, अच्छा। और अगर वो बोली में नहीं बोलते तो हाँ, मतलब अगर कोई भोजपुरी में या पंजाबी में बोलेगा तब तो तो नहीं आएगी नहीं समझ नहीं में। हाँ वो उसकी। तो आपने हिंदी की जो स्किल है इसको अच्छा करने के लिए क्या क्या किया? एक तो आप बता रहे हैं कि आप जो यहाँ के लोग, इंडियन आपके स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं, आप उनसे हिंदी में बात करते हैं, और आपने क्या क्या इसको इम्प्रूव करने के लिए अपनी हिंदी को? मतलब मैं वोकैबुलर सीखने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि 1 हफ्ते में 5 दिनों में शायद 100 या 200 शब्द दोहराता हूँ। अच्छा। फिर मैं बहुत बॉलीवुड मूवीज़ देखता हूँ हाँ और जर्मनी में भारतीय लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस भाषा से संबंधित करता रहता हूँ अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अभ्यास ना हो तो मैं कैसे सीखूँगा हाँ, लेकिन आपने बहुत जल्दी और इस भाषा को समझ लिया, पिक कर लिया। मतलब बहुत आसान नहीं होता है कि दूसरी लैंग्वेज को आप इतनी जल्दी कर पाए। आपका धन्यवाद। फैमिली में आपका फैमिली वहीं जहां आप पढ़ते हैं वहीं है या वहां से कहीं दूर है? नहीं, वो मेरी यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं, मतलब शायद 30 मिनट दूर, 40 मिनट दूर गाड़ी से। तो मेरी यूनिवर्सिटी एक शहर में है, उसका नाम माइंस है, और मेरे परिवार एक गांव में रहते हैं, अच्छा लेकिन ये गांव बहुत नज़दीक है। अच्छा तो आपकी गांव किस तरह, वहाँ पे क्या होता है, मतलब जो वहाँ की इकोनॉमी है वो कैसे चलती है? जैसे हमारे पहाड़ तो बहुत, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, हमारे यहाँ पे कुछ पैदा नहीं हो पाता, मतलब कमर्शियली कुछ नहीं हो पाता। तो आपके यहाँ कैसे जो इकोनॉमी चलती है गांव की, वो कैसे होती है, क्या होता है वहाँ पे? मतलब गांव में, मतलब ये इस गांव में बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन ये एक गांव गांव जैसा नहीं है, जैसे कि बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है और ये अच्छा। शहर के नज़दीक है, तो लोग ज़्यादातर शहर में काम करते हैं लेकिन वहाँ रहते हैं। और मेरे गांव में बहुत वाइन का प्रोडक्शन है, अच्छा। मतलब वहाँ सिर्फ अंगूर के खेत है। अरे वाह। और जैसे कि वहाँ 1300 लोग रहते हैं और 13 वाइन शॉप्स है। अच्छा, हाँ तो वाइन शॉप वो? अच्छा, तो जब सब वाइन शॉप हैं तो हाँ बिकती के कहाँ, मतलब बेचते कहाँ, बाहर बेचते हैं? हाँ बाहर, मतलब बाहर के लोगों
सप्लाई करते हैं वहाँ, हाँ और फिर तो वो वाइन वहीं बनती है हाँ आपके वही गांव? बनती है। अच्छा तो ये इस इलाके में ये बात बहुत आम है कि लोग वाइन बनाते हैं, हाँ वाइन बेचते हैं, और हर वीकेंड कहीं एक वाइन त्योहार है। अच्छा, हाँ वाइन फेस्टिवल होता हाँ है। वाइन फेस्टिवल है अरे बहुत ज़्यादा, तो लोगों को इस इलाके में वाइन बहुत पसंद है। अच्छा वाह, तो अंगूर जो है वो मेन प्रोडक्ट है आपके इलाके में, हाँ गांव में मेन प्रोडक्ट मेन है। प्रोडक्ट। अच्छा, आपकी फैमिली में भी लोग इसमें काम करते हैं ये काम? वो नहीं, वो इस काम में नहीं करते, लेकिन मेरे बहुत दोस्त हैं जो वाइन का काम करते हैं। अच्छा। तो जब आप पहली बार आए होंगे इंडिया, तो फैमिली की तरफ से कैसा वो रहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? मतलब आप, बात होता है ना कि आप फर्स्ट टाइम इंडिया जाते हो, तो थोड़ा रहता है कि पता नहीं कैसी कंट्री में जा रहे हैं क्या, या पहले से आप बहुत जानते थे इंडिया के बारे में? थोड़ा बहुत, मतलब मैंने पढ़ाई में कुछ सीखा हाँ लेकिन ज़्यादा तो नहीं पता था, मैं सिर्फ आया। अच्छा और शायद मेरी माँ को थोड़ी सी चिंता हुई होगी, लेकिन ये ठीक था मतलब। हाँ और लेकिन आजकल उनको चिंता नहीं है। अच्छा, तो अब तो आप खैर आज 2-3 बार 4 बार आ चुके हैं, अब तो आप एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं यहाँ के इंडिया के बारे थोड़ा में बहुत। थोड़ा। दूसरा एक बहुत दिलचस्प चीज़ आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ जर्मनी में बच्चों को 18 ईयर्स के बाद, टीन एज होते ही बोल देते हैं कि अब आप अपना जो है कैसे क्या होता है मतलब जब ज्यादातर जब लोग 18 साल का है या 19, 20 या 21 साल का है तो लोग घर बदलेंगे, क्योंकि जर्मनी में ऐसा समझाया जाता है कि अगर लोग ज़्यादा समय तक परिवार के साथ रहते हैं तो वो अपने आप का ध्यान नहीं रख सकते या अपने आप पैसा नहीं कमा सकते, तो लोग ऐसा समझते हैं, और इसलिए ये संस्कृति है कि लोग जल्दी घर बदलेंगे। अच्छा, हाँ तो 18 साल के बाद आप, मतलब घर वाले कहते हैं कि भैया आप जाओ, आप अपना देखो अपना, तो आप पढ़ते हैं तो क्या आप कुछ अर्न भी करते हैं? हाँ मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, तो अच्छा मेरे माता पिता मेरे किराए देते हैं और उसके अलावा मैं सब कुछ कमाता हूँ अच्छा हाँ तो रहने फिर के लिए। कैसे बैलेंस कैसे होता है, मैनेज कैसे करते हैं? आप मास्टर्स भी कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हैं, कैसे करते हैं? मतलब उधर बहुत हाफ टाइम जॉब्स मिलते हैं, जैसे कि मैं एक हफ्ते में 10-15 घंटे काम करता हूँ और ये काफ़ी है, अच्छा तो समय तो मिलेगा। हाँ अच्छा तो वहाँ पे मतलब आपको पे वीकली के हिसाब, वीकली पे होता है वहाँ पे, कैसे करते हैं या डेली होता है? नहीं पे मतलब एक महीने में सारा पे है। अच्छा, 1 महीने में होता हाँ है। जैसे कि जैसे आम आपने 10-15 घंटे 1 वीक में किसी रेस्टोरेंट में दिए, हाँ और फिर आपको मतलब पूरा महीना जब होगा तभी आपको हाँ तब सब मिलेगा। तब सब मिलेगा, तो उससे सब खर्चा अपना अपना हो जाता है आपका? हाँ ठीक हो जाता है। हाँ अच्छा, तो यूनिवर्सिटी में आप क्या कोई स्कॉलरशिप का वो मिलता है वहाँ पे, क्या होता है यूनिवर्सिटी में? कभी कभी मिलता है, जैसे कि इस बार यूनिवर्सिटी मेरे पैसे देते हैं कि हाँ मैं यहाँ आ सकूँ और पढ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को अर्जी देना पड़ेगा, अच्छा तो हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, और मेरा भाग्य था। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि जर्मनी में जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, क्या उसके लिए गवर्नमेंट, जो वेलफेयर स्टेट वाला वो है कि गवर्नमेंट ही सब वो करेगी, या क्या होता है वहाँ पे, फ्री होती है एजुकेशन या किस लेवल तक होता है क्या? मतलब स्कूल मुफ्त है मुझे लगता है, और उसके बाद पढ़ने में
पढ़ने में तो पैसा लगेगा, जैसे कि मुझे हर सेमेस्टर में एक सेमेस्टर फी देना पड़ेगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है तो ठीक है। और हेल्थ में ये तो कॉस्टली है थोड़ा थोड़ा बहुत, लेकिन लोगों को इंश्योरेंस है हमेशा, तो इंश्योरेंस पैसे दे देंगे और लोगों को हर महीने में इंश्योरेंस को पैसा देना पड़ेगा, अच्छा ऐसा सिस्टम है। हाँ, कुछ प्रीमियम देते होंगे ना, कुछ कंट्रीब्यूट करना होता होगा। अच्छा, तो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको मतलब अभी ये कहा है कि अच्छा कहा कि आप कह रहे हैं कि छुट्टी है, पड़ी है, छुट्टियाँ होती हैं हाँ सेमेस्टर को, छुट्टियाँ हैं। ये कौन सा हाँ सेमेस्टर है आपका? ये शायद मेरा तीसरा हो गया, हाँ मेरा तीसरा हो गया, तो अगले सेमेस्टर सेमेस्टर 4 होगा। तो अभी आप मास्टर्स कर रहे हैं, अभी आप यहाँ से गढ़वाल की रामलीला पर आप देखेंगे, थेसिस लिखेंगे, तो आगे जब आप रिसर्च होगी, जब उसके डॉक्टरेट के लिए, क्या यही इसी को कंटिन्यू करेंगे या वो वहाँ पे चेंज हो जाता है सब? मतलब पढ़ाई के बाद, हाँ पढ़ाई के बाद अभी तक मैंने नहीं सोच रखी उसके बारे में क्या करूँगा, अच्छा तो देखते हैं। मैं पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म करूँगा, उसके बाद मुझे कहीं काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक पता नहीं कहाँ। अच्छा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरा काम भारत से संबंधित है। अच्छा आगे भी जो काम हो आपका। हाँ शायद। अच्छा मैं ये कह रहा था कि अगर आप मास्टर्स करते हैं तो मास्टर्स करने के बाद आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं वहाँ पे? बहुत सारे, जैसे कि मैं सोशल साइंसेस में काम कर सकता हूँ, या जर्नलिज्म में, या कल्चरल वर्क में काम कर सकता हूँ, या ये भी कर सकता हूँ कि मैं कुछ अलग अलग करूँगा। तो मौके तो बहुत होंगे, मुझे सिर्फ निश्चय करना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन ये बात तो आजकल पता नहीं आज है। क्या पता नहीं है, अभी आपका केवल फोकस है कि मुझे अभी ये काम करना है जिसके लिए आप आए हुए हैं, है ना? सही। अच्छा, तो पॉल जो हैं अभी उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के दौरे पर जा रहे हैं, जर्मनी से आए हैं, दिल्ली में मैंने उनको लपक लिया या इन्होंने मुझे लपक लिया, एक ही बात है। वो उनसे लगातार बात चल रही थी हमारे इंस्टाग्राम पे जब वो जर्मनी में थे कि मैं आऊँगा और मुझे ये चीज़ें स्टडी करनी है। वो गढ़वाल की रामलीला के अलग अलग पहलू पे काम कर रहे हैं, खासकर जो जो ऑडियंस होती है, जो दर्शक होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, वो कैसे रिएक्ट करती है, उसकी क्या भूमिका होती है, और ये भी वो जानेंगे कि इतने साल तक वहाँ पे रामलीला कैसे चली आ रही है ना? तो ये आप तमाम आपके ये हाँ होंगे, है ना? तो आप मतलब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी ये मतलब मास्टर्स के बाद, आप इसके बाद कोई वो नहीं होता? हमारे जैसे मास्टर्स के बाद रिसर्च भी करते हैं लोग, डॉक्टरेट करते हैं हाँ फिलोसफी। ये भी कर सकता, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरा मन है, तो अच्छा देखते हैं। लेकिन लोग वहाँ भी PhD करते हैं करते हैं। कभी कभी मास्टर्स के बाद। अच्छा। पॉल, जब आप यहाँ से इस वाले टूर से वापस जर्मनी जाएंगे, अपने देश जाएंगे, तो क्या ये आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी? क्या उसके बाद भी आप भारत आने का मन रहेगा या प्लान बनाएंगे? हाँ मैं तो ज़रूर वापस आऊँगा, अगले साल शायद नहीं आ पाऊँगा, लेकिन 2 साल में तो ज़रूर। और हाँ देखते हैं, तो अगर समय है और पैसा तो मैं ज़रूर वापस आऊँगा। समय और पैसा दोनों चीज़ें हैं ना, हाँ तो आप वापस जाके फिर जॉब भी करते रहेंगे साथ साथ काम? शायद हाँ, उस समय जब मैं अगली बार वापस आऊँगा तो शायद जॉब करूँगा। हाँ हाँ। अच्छा, तो अभी आप जो जैसे कह रहे हैं कि आप पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ काम भी करते हैं, तो आपने काम से भी छुट्टी ली हुई है, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, काम से जो आप जॉब कर रहे हैं वो उससे छुट्टी ली हुई है? हाँ अच्छा मतलब ये मुमकिन है इस काम में, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में जर्मनी में सब कुछ
ज़्यादातर थोड़ा सा आराम से चलता है। जैसे कि अगर मैं बोलता अच्छा हूँ कि ठीक है, मैं अभी 3 महीने के लिए जर्मनी में नहीं हूँ, तो वो बोलेंगे कि ठीक है जाओ, और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं काम करने का जारी रखूँगा। अच्छा अच्छा तो रेस्टोरेंट में आप क्या करते हैं आपका काम? मैं सेवा करता हूँ, मैं बर्तन मांजता हूँ अच्छा और खाना पहुँचाता हूँ गाड़ी से। अच्छा अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। तो मतलब कुल मिला के जर्मनी में इस तरह का कल्चर डेवलप हो चु है पहले से ही कि बच्चा लड़का लड़की जो भी है, यंगस्टर जब जो जवान होंगे तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, स्वावलंबी हो जाएं, इसके लिए उनको घर से बाहर भेजा जाता है कि जाओ भैया कुछ करो, अपने आप कमाओ, अपने आप खाओ। तो पॉल जो है एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जैसे उन्होंने बताया, वो बर्तन भी साफ़ करते हैं, वो सर्व भी करते हैं, वो खाना भी पहुंचाते हैं, और स्टडी भी कर रहे हैं जर्मनी से आके गढ़वाल की रामलीला पर, हमारे यहाँ की रामलीला पर यहाँ आए हैं। तो पॉल आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी और बहुत अच्छा बहुत बहुत लगा। धन्यवाद आपने इतना समय दिया मिलने के लिए, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक।